इस वे वड्डी खबर लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा का बयान सामने आ रहा है, जिस विच उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई उत्ते पंजाब पुलिस वालों थर्ड डिग्री का प्रयोग किए जाने की गल्लां दसियां जा रही ने। उन्हें कहा कि ना ही उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई नाल मिलन दिता जा रहा है, तो पंजाब पुलिस मनमाने ढंग नाल मैडिकल करवा रही है, तो जिसकी वीडियोग्राफी भी नहीं की जा रही। उन्हें कहा कि इन गल्लां लैके मैं अदालत जावांगा तो इस विरुद्ध रिट दायर करांगा। सिद्धू मूसा वाले मर्डर केस के अंदर में मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस जो है 14 जून को पटियाला कोर्ट से परमिशन के साथ में ट्रांजिट रिमांड पर मानसा लेके गई थी, और उसमें बकायदा पंजाब पुलिस के एजी साहब जो है खुद अपनी लीगल टीम के साथ में कोर्ट में प्रेजेंट हुए, और एंटायर पंजाब पुलिस के जो है आला अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद थे। उस टाइम पूरी मीडिया भी मौजूद थी। उसी दौरान उन्होंने एक अश्योरेंस दी थी कोर्ट के सामने कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी प्रकार की जो सुरक्षा है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तुरंत यहां पे जब उसको ट्रांजिट रिमांड में लेके गए तो मानसा कोर्ट में रात को ही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के घर पे 4 बजे पेश कर दिया बिना किसी एडवोकेट के। वहां पे बाकायदा हमारी वहां पे प्रेजेंस होनी जरूरी थी, क्योंकि हमें यही था कि वो सुबह कोर्ट में पेश करेंगे, हम उसी की तैयारी में थे, लेकिन उन्होंने रातों रात आनंद फानंद में वहां पे MM कोर्ट के यहाँ पे पेश करके और वहां से इसका जो है 7 दिन का PC रिमांड ले लिया। अब 7 दिन के PC रिमांड के दौरान जो है बहुत सारी वॉयलेशन की जा रही है जो गैरकानूनी है। बाकायदा उसके अंदर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा वॉयलेशन है वो है कि इस टाइप के जो भी रिमांड एप्लीकेशन है या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरोगेशन जो है उसके अंदर में जब भी अक्यूज का रिमांड लिया जाएगा तो उसको बाकायदा एक कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर एक कैमरा वाली सर्वेलेंसेज वाली जगह पे जहां पे बाकायदा कैमरा लगे होनी चाहिए उसी के दौरान उसकी पूरी इंटरोगेशन होगी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका पूरा वॉयलेशन है परमवीर सिंह सैनी वर्सेज बलजीत सिंह। ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें साफ बताया जा चुका है कि अगर किसी की डेरोगेशन होगी तो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर होगी, वहां पे कैमरा होने चाहिए, लेकिन इसका वॉयलेशन किया जा रहा है क्योंकि मेरे क्लाइंट को ब्रूटली मारा जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को ब्रूटली बहुत उसको पेंस दी जा रही है, उसके बाद 3rd degree टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। इसीलिए मैं आज आप लोगों की रूबरू आया हूं ये अपील करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को और एंटायर पंजाब पुलिस को कि आप वॉयलेशन कर रहे हैं, कल इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं कोर्ट में इसके लिए इसके खिलाफ रिट लगाऊंगा। आपको पूरी वीडियोग्राफी जो अब तक उन्होंने आपने इंटरोगेशन में की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप उसकी वीडियोग्राफी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बकायदा उसका मेडिकल कराने के लिए डॉक्टर्स वहां बुला के अपने मनमाने तरीके से उसका मेडिकल बनवाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का जो अधिकार है 41D CRPC के अंदर कि उसको अपनी मर्जी के एडवोकेट से मिलने की परमिशन दी जाए, उसका टोटली वायलेशन किया जा रहा है। उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि आप कंसील करना चाहते हैं कि उसके साथ किस तरह की बेरहमी अंदर जो है बरती जा रही है पंजाब पुलिस के द्वारा। तो मैं आप मीडिया चैनल के थ्रू पूरी पंजाब पुलिस को और पूरी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को ये एक अपील करना चाहता हूँ कि आप इस टाइप की वायलेशन को बंद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा TV। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो। देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने। घर बैठे 11 मिनटा च 101% गारंटी नाल समाधान। वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बार होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चंदबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले रुस्से नु मनाना प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435-0321।